अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल मिस्टर इलेक्ट्रीशियन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हमारे डीबी के मतलब, डीबी की टर्मिनेशन किस तरह की जाती है। कुछ दोस्तों ने पूछा था डीबी के मतलब, डीबी की टर्मिनेशन किस तरह की जाती है, आप हमें उसके ऊपर वीडियो बना के दिखाएँ। तो ये एक मेरे पास डीबी है तो काफ़ी बड़ी, लेकिन ये छोटा सा एरिया है पावर्स का, तो इसकी मैं टर्मिनेशन करने लगा हूँ। तो मैं आपको उसकी टर्मिनेशन करके दिखाता हूँ किस तरह डीबी की टर्मिनेशन की जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपनी वायरें दिखा देता हूँ। ये देखें वायरें, ये मैंने नीचे लाई हुई हैं, उसके ऊपर ये मैंने मार्किंग की हुई है। ये देखें आप, ये मेरी वायर्स पे हर स्क्यूल की जो है ना वो मार्किंग है। PY1 ये मेरी पावर की है और Y1 की है, ये रेड की है, R2 की है, PR2। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये चूँकि हमने स्क्यूल खींचा होता है पुल किया होता है, तीन वायरें एक साथ की होती हैं पुल, तो हमारी तीनों वायरें एक साथ जो है ना हमने इसको टेप से एक टाई किया होता है। तो आपने क्या करना है, ये एक एक वायर को छोटी छोटी मार्किंग कर लेनी है अपनी डीबी में डालने से पहले या टर्मिनेशन करने से पहले। आपने ऐसे एक एक वायर को छोटी छोटी मार्किंग कर लेनी है ताकि जब हम इसको वायर को खोलें टर्मिनेशन करने के लिए तो हमारी वायर के ऊपर जो है ना वो मार्किंग हुई पड़ी हो। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमने खोलनी है तो मैं ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह करें, अपनी जो भी वायरें होती हैं उनको पहले छोटी छोटी टर्मिनेशन कर लें ऊपर, एक एक वायर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने कन्फर्म करना है कि आपकी जो ट्रंकिंग में जो वायर है या जहाँ से भी आपकी वायर आ रही है उसकी ड्रेसिंग अच्छे से हो, आपने अच्छे से उसकी ड्रेसिंग कर लेनी है। ये देखें, ये मैंने की हुई है, ट्रंकिंग के अंदर मेरी वायर आ रही है। ये मेरी इधर वाला हिस्सा जो है ना, ये लाइटिंग का है, ये लाइटिंग की वायर्स मैंने यहाँ से अलहदा कर ली हैं। तो आपने भी इसी तरह करना है। अगर आपको आपकी डीबी है और डीबी में दो मुख्तलिफ पोर्शन है, मतलब ये मेरे पास एक साइड जो है ना वो लाइटिंग की है और दूसरी साइड जो है ना छोटी ये पावर की है, तो पावर की मैं यहाँ करूँगा और लाइटिंग की यहाँ करूँगा। तो आपने बिल्कुल भी ऊपर से अलग-अलग वायरें कर लेनी है अपनी। ये देखें, ये मैंने कर ली हुई हैं, ये बल्कि पावर की तो मैं नीचे ले आया हूँ डीबी के अंदर, और लाइटिंग की अभी मेरी ऊपर ही है। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल कन्फर्म कर लेना है अपनी ड्रेसिंग को कि हमारी ड्रेसिंग में कोई मसला मसाइल ना हो। तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी डीबी जहाँ पे आपने करनी है टर्मिनेशन उसको आप गौर से देखें कि हमने वायर्स कहाँ कहाँ पे लगानी है। ये देखें, ये मैं आपको बार्स दिखा देता हूँ। ये मेरे पास अर्थ बार है, इसकी वायर मैंने खैर खोली हुई है जो मेन है, क्योंकि यहाँ मुझे ये डिस्टर्ब कर रही थी तो मैंने खोल दी। ये अर्थ बार है, ये न्यूट्रल बार है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी न्यूट्रल की वायर नहीं लगाएँगे क्योंकि नीचे मेरे पास डबल पोल है और मैं इसको अपनी जो न्यूट्रल है वो डबल पोल पर लगाऊंगा, क्योंकि ये ओरिजिनली बनी हुई आई है डीबी, तो इसका जो न्यूट्रल है वो ऑलरेडी हमारे डबल पोल में पहुंच चुका है। तो मैं यहाँ पे ही इसकी टर्मिनेशन न्यूट्रल की कर दूंगा। हमारी सिर्फ अर्थ की बार जो है वो ऊपर है। तो फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है कि आपने पहले कन्फर्म करना है कि हमारी वायर्स कहाँ कहाँ पर लगनी है। तो चूँकि मेरी वायर अर्थ की यहाँ लगनी थी, तो मैंने यहाँ मैं अभी इसको अर्थ की वायर्स को अलहदा कर लूँगा और बाकी जितनी वायर हैं वो चूँकि मेरी यहाँ पे टर्मिनेशन होगी डबल पोल पे। ये नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर रेड की होंगी और ये येलो और ब्लू दो बार्स हैं MCBs, ये डबल पोल MCB हैं। तो यहाँ अब मैं आपको इसकी जो अर्थिंग की वायर हैं वो अलहदा करके फिर बाद में दिखाता हूँ। तो ये ले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी अर्थिंग, ये देखें अर्थिंग मैंने यहाँ से अलहदा कर ली है क्योंकि मेरी टर्मिनेशन अर्थ की यहाँ पे होनी है इस बार के ऊपर, और लाइव और जो न्यूट्रल वायर्स हैं वो मैं नीचे अलहदा कर ली है नीचे लेके जाने के लिए, क्योंकि उनकी टर्मिनेशन इन बार्स के ऊपर होनी है। तो आपने बिल्कुल इन बार्स का ख्याल रखना है टर्मिनेशन करते वक्त कि हमारी बार्स या हमारी टर्मिनेशन या हमारी MCB किस जगह पर है जिस पर हमने टर्मिनेशन करनी है। तो आपने उसी हिसाब से बिल्कुल वायरों की ड्रेसिंग करनी है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ न्यूट्रल्स की बार भी अलग होती हैं, अर्थ की बार भी अलग होती हैं, और ये सिंगल पोल MCB लगी होती है तो हमारी लाइफ भी अलग हो जाती है। तो आपने बिल्कुल अपने डीबी के हिसाब से टर्मिनेशन करनी है, आपने जो ड्रेसिंग करनी है वो अपनी डीबी की के हिसाब से करनी है कि हमारी वायर्स कहाँ पर टर्मिनेट होंगी। तो अभी मैं आपको इनको केबल टाई लगा के और ड्रेसिंग करके दिखाता हूँ अपनी जगह पर। ओके, तो फ्रेंड्स, आप वायर्स को अलग करने के बाद क्या करें, केबल टाई लें और उसकी ड्रेसिंग वायर्स की आपने किस तरह करनी है डीबी के अंदर। ये मैंने जो क्योंकि मेरी नीचे टर्मिनेशन होनी है तो मैं नीचे ले आया हूँ। अब मैंने ली एक केबल टाई
और केबल टाई को मैं ये जो ग्रीन वायर है इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस करके इसकी ड्रेसिंग कर दूंगा, ऐसे इसको यहाँ पे टाई कर दूंगा ताकि हमारी वायर इधर उधर ना हो। ओके जी, ये टाई होगी तो ये वायरें इस बार के पीछे करें, ऐसे ये पीछे हो जाएंगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा बेंड करें वायर्स को, इसको भी बार्स के पीछे करें और एक यहाँ पे आप टाई लगा दें। ये मैंने थोड़ी सी बेंड करके मूव करके वापस लेके आया हूँ ताकि हमारी वायर एक्स्ट्रा हमारे पास हो, अगर कहीं पे कोई मसला मसाइल होता है बाद में तो हमारे पास जो है ना वो एक्स्ट्रा वायर होनी चाहिए। तो ये मेरी एक्स्ट्रा वायर जो है ना वो मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इस टाई की मदद से। ओके जी, इधर भी मैंने ये टाई लगा दी और ये मेरी वायर भी बाहर के बिल्कुल पीछे छुप गई। अब मैं इसकी एक एक करके टर्मिनेशन करूँगा बार के अंदर। ओके, ड्रेसिंग आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। देखें मेरी वायर अभी सारी छुप गई है उसके बार के पीछे, तो बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रल और लाइव की भी आपने इसी तरह ड्रेसिंग करनी है। मैं सारी करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वायर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके जी, अभी मैं आपको टर्मिनेशन करके दिखाता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स, इस तरह ड्रेसिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पहली वायर टर्मिनेट करनी है वो आप वायर को ढूंढें अपनी वायर्स के अंदर। ये मैं पहले निकाल चुका हूँ PR1, क्योंकि R1 की जो मेरी मार्किंग है वो सबसे पहले आएगी। R1, R2, R3, R4, पहले R की वायरें, फिर Y की वायरें और फिर B की वायरें, बिल्कुल उसी तरह सीक्वेंस के साथ आपने चलना है। तो आपने क्या करना है, अपनी PR1 जो है निकालनी है। अभी मैं ये निकाल चुका हूँ, तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह रखना है। रख के आप इस तरह पुमाइश ले लें इसकी, जितनी भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। ओके, इस तरह आप रखें और इसकी लें पुमाइश ऐसे, और यहाँ से आप इसको काट दें। ठीक है जी, ये मेरी हो गई थी PR1 जो पहली वायर है। PR1 की ये मैं आपको दिखा देता हूँ, PR1 ऐसे सीधी आएगी PR1। तो अब मैं इसकी टर्मिनेशन करूँगा, थोड़ा सा इसकी इंसुलेशन को आप रिमूव करें, आप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें या जो भी। ओके जी, ये हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। ओके, ये मेरी एक वायर होगी टर्मिनेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, सेम इसी तरह R2 की, R3 की, R4 की जितनी भी आपकी वायरें होंगी आपने उसी हिसाब से इसको ऐसे ही पुमाइश करके इसकी कटाई करके और इसको आपने स्क्रू लगाते जाना है। तो बिल्कुल अभी मैं अभी सारी करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं सारी नहीं कर सकता कैमरा के सामने, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाद में मुश्किल हो जाती है। तो चले मैं आपको करके वापस दिखाता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये मैं अर्थिंग की टर्मिनेशन कर चुका हूँ अपनी सब वायर्स की अर्थिंग की। तो बिल्कुल आपने भी इसी तरह सब की टर्मिनेशन कर देनी है, एक मैंने आपको दिखा दी है, बिल्कुल उसी मेथड के हिसाब से आपने आगे भी कर देनी है। तो उसी तरह आपने ये जो हमारी न्यूट्रल और लाइव है वो आपने अलग-अलग कर लेनी है, कौन सी इस बार्स के ऊपर कौन सी वायर लगनी है। ये मेरे पास R1, R2, R3, R4, ये पहली चार की हैं, R की हैं, रेड की वायरें हैं, उसके बाद दो जो लाइव की हैं Y1 और Y2 येलो की। तो आपने बिल्कुल R की और येलो की वायरें यहाँ निकाल लेनी है, बाकी जो वायर हैं वो आपने नीचे ले जानी है। तो बिल्कुल उसी तरह आपने जिस तरह हमने अर्थिंग की ड्रेसिंग की थी, इसी तरह सेम आपने ड्रेसिंग करके इसी तरह आपने उसकी टर्मिनेशन कर देनी है। आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी की दोस्त को समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करके मैसेज करके बता सकता है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा दोबारा समझाने की। अल्लाह हाफ़िज़।